नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में स्कूलों के समय में नहीं होगा बदलाव। बिहार में 29 मई को यहां पर लगेगा रोजगार मेला। शिक्षा विभाग ने 26 स्कूलों के हेडमास्टर का सैलरी काटने का दिया आदेश। बिहार में 300 सोशल मीडिया अकाउंट संदिग्ध। हार्दिक पांड्या को BCCI ने एक मैच के लिए किया सस्पेंड। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में स्कूलों के समय में नहीं होगा बदलाव। बिहार में स्कूलों के समय में बदलाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक कानून के तहत काम करने वाले अधिकारियों में से एक है। आपको बता दें कि विभाग की ओर से पिछले दिनों गर्मी को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव का फैसला लिया गया है। स्कूल की टाइमिंग सुबह के 6 बजे है और स्कूल के समय को सुबह के 6 बजे करने के बाद स्कूलों के समय में बदलाव की मांग की जा रही है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसका जवाब दिया है और कहा है कि शिक्षा विभाग के लिए कानून के तहत स्कूल की अवधि को इससे कम करना संभव नहीं है। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रतिदिन शिक्षकों के लिए कार्य अवधि 7.5 घंटा निहित है। बिहार में 29 मई को यहां पर लगेगा रोजगार मेला। लंबे समय से रोजगार का तलाश कर रहे युवाओं के लिए काम की खबर है। बिहार के गोपालगंज जिले के कमला राय कॉलेज में 29 मई को रोजगार मेला लगने जा रहा है। ये रोजगार मेला सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी कॉलेज प्रशासन से संपर्क करके अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस जॉब कैंप में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कहीं पर निबंधन की जरूरत नहीं है, वो सीधे आकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। योग्य अभ्यर्थियों को ऑन द स्पॉट ही जॉब ऑफर लेटर मिल जाएगा। यहां पर BSc और MSc पास करने वाले छात्रों को नौकरी दी जाएगी। चयनित युवाओं को 20,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। बिहार कृषि सेवा के अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट की हुई घोषणा। बिहार कृषि सेवा के अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। 4 पदों के लिए ली गई परीक्षा का रिजल्ट वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर अपलोड हो चुका है। बिहार कृषि सेवा पौधा संरक्षक सहायता निदेशक के पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी और इस परीक्षा में कुल 785 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। सामान्य हिंदी को छोड़कर शेष 3 विषयों के प्राप्तांकों के योग के अनुसार तैयार की गई मेधा सूची के बाद साक्षात्कार के लिए 29 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। कृषि अभियंत्रण की लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए 49 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इधर बिहार कृषि सेवा के अधीनस्थ सेवा कोटी 1 के प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिखित परीक्षा के बाद 2273 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चयनित हुए हैं। शिक्षा विभाग ने 26 स्कूलों के हेडमास्टर का सैलरी काटने का दिया आदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग की ओर से लापरवाही बरतने पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और इसी कड़ी में बिहार के जमुई में 26 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया है। वेतन काटने के साथ ही संबंधित जिला पदाधिकारी को संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल इन प्रधानाध्यापकों के द्वारा शिक्षा विभाग के आदेश का पालन नहीं किया गया और इसके बाद ये एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि इन प्रधानाध्यापकों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो नहीं भेजा गया था। विभाग ने स्कूल का समय 6 बजे करने के साथ ही 6:10 तक विभाग द्वारा बनाए गए ग्रुप में फोटो भेजने के लिए आदेश जारी किया था। 5वें चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। बिहार में लोकसभा के 5वें चरण का चुनाव 20 मई को होने वाला है। इस दौरान हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और सीतामढ़ी की लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस चरण में 80 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इसमें से 35 निर्दलीय उम्मीदवार है। वहीं आज शाम के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से मुलाकात कर सकेंगे। 20 मई को सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। पुलिस ने चुनाव से पहले शराब की बड़ी खेप को किया जब्त। 5वें चरण के लोकसभा चुनाव से पहले वाहन जांच के दौरान पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। मोतिहारी जिले के सुगौली थाने की पुलिस ने छपुआ चौक पर सीए एक्शन लिया है। पुलिस ने पिकअप वैन से 1,350 लीटर शराब को बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। पिकअप के किनारे कार्टन में फल को रखा गया था और उसके बाद वाले कार्टन में विदेशी शराब को लूट किया गया था। पुलिस के द्वारा वैन को जब्त कर लिया गया है। दूसरी ओर एक शख्स को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। आज से 2 पालियों में STET की परीक्षा हुई शुरू।
आज से दो पालियों में एसटीईटी की परीक्षा शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी एसटीईटी पेपर वन की अलग अलग विषयों की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। मालूम हो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 16 विषयों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। ये परीक्षा 29 मई तक चलेगी। प्रतिदिन 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 3,09,489 अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं। एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो रही है। पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा 3 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक निर्धारित है। इस परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। हाईकोर्ट ने बीएसईबी को अस्थायी कर्मियों को लेकर दिया ये आदेश। पटना हाईकोर्ट ने बीएसईबी को 20 साल से अधिक समय से अस्थायी नौकरी कर रहे कर्मियों को लेकर आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि पूर्व इंटर काउंसलिंग के स्वीकृत 69 पदों पर 20 से 24 सालों तक कार्यरत तदर्थ कर्मियों को 6 सप्ताह के अंदर नियमित किया जाए। जस्टिस विवेक चौधरी ने राम सुरेश और अन्य 44 रिट याचिकाओं की स्वीकृत करते हुए ये फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि इतने वर्षों से लगातार स्वीकृत पदों पर काम करने की वजह से उन कर्मियों के नियमितीकरण का एक कानूनी दावा बनता है और ये नियुक्तियां अवैध नहीं है। अंतिम चरण में 8 लोकसभा सीटों पर 134 प्रत्याशी होंगे मैदान में। बिहार में 7वें और अंतिम चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 7वें चरण में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के लिए बीते दिन पर्चा वापस लेने की तिथि खत्म हो चुकी है। मालूम हो कि अंतिम चरण में पटना साहिब, नालंदा, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद की लोकसभा सीट पर चुनाव होने वाला है। इसमें 134 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। नालंदा की लोकसभा सीट पर 29 उम्मीदवार के बीच मुकाबला होने जा रहा है। इसमें 26 पुरुष और 3 महिला प्रत्याशी शामिल है। बिहार में 300 सोशल मीडिया अकाउंट संदिग्ध। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस मुख्यालय के साथ ही ईओयू की विशेष मॉनिटरिंग यूनिट फर्जी और संदिग्ध अकाउंट पोस्ट पर एक्शन ले रही है। पिछले 2 महीनों से बिहार पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट ने 3,000 से अधिक संदिग्ध और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट को चिन्हित कर ईओयू को भेजा है। वहीं ईओयू की ओर से 3 दर्जन सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया गया है। अलग अलग जिलों में पुलिस के द्वारा कार्रवाई जारी है। तेजस्वी यादव ने कविता के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। इन्होंने कहा है कि 10 साल किसान कंगाल, 10 साल युवा छात्रा बेहाल, तरक्की फतेहाल, प्रगति का बुरा हाल, भाजपा मालामाल, 10 साल फैलाया महाजाल, बर्बाद भविष्यकाल, उम्मीदों का इंतकाल, भाषणों का भंवर जाल, 10 साल व्यापारियों का जी का बना जंजाल। इस पोस्ट के जरिए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री से उनके 10 सालों का हिसाब मांगा है। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर से की मुलाकात। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की है। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव से प्रशांत किशोर की ये मुलाकात चुनाव के नतीजों से पहले बहुत कुछ संकेत दे रहा है। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया था। वो कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन राजद ने ये सीट अपने पास रख ली और बीमा भारती को प्रत्याशी बना दिया और इसके बाद पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर गए। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कही ये बात। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बिहार आ चुके हैं। इसी बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज लोग मुझसे कहते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे तो बिहार सुधर जाएगा, लेकिन 2014 तक आधा से ज्यादा बिहार मोदी को नहीं जानता था। आज सब मोदी के भक्त हो चुके हैं, उनको वोट देते हैं और हमसे कहते हैं कि आपको पता है मोदी जी से ही देश का कल्याण होगा। मैं आपको बताने आया हूं कि मोदी ने बिहार का विकास किया या नहीं किया, ये तो बात छोड़ ही दीजिए। पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने अगर बिहार के लिए एक भी बैठक की है तो उस बैठक की खबर दिखा दीजिए। पिछले 9 सालों में मोदी ने बिहार के लिए एक बैठक नहीं की है। योगी आदित्यनाथ ने सारण में बिहार को लेकर कही ये बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन बिहार के सारण जिले में पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा है कि अयोध्या की पावन धारा से आया हूं। हमारे लिए प्रभु राम
सर्वोपरि है। यूपी और बिहार का आत्मीय रिश्ता है। यूपी जैसा उत्साह बिहार में भी था, अयोध्या जैसा उत्साह जनकपुर में भी था। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी और बिहार में आत्मीय रिश्ता है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कहा है कि रामलला का मंदिर बनाना कांग्रेस और सपा के बस की बात नहीं थी। रामलला को विराजमान करने का कार्य सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे। हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई ने एक मैच के लिए किया सस्पेंड। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए आईपीएल 2024 का अंत निराशाजनक रहा है। यहां पर मुंबई को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से 18 रन से शिकस्त मिली है। दूसरी ओर कप्तान हार्दिक पांड्या पर एक मैच का निलंबन और साथ ही 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल मुंबई इंडियंस ने मौजूदा सीजन में तीसरी बार धीमी ओवर की गति से गेंदबाजी करने के कारण हार्दिक पांड्या को खामियाजा भुगतना पड़ा था। मुंबई इंडियंस की टीम ने तीसरी बार धीमी गति से गेंदबाजी की और इस वजह से हार्दिक पांड्या पर निलंबन और 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उनके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई, 16 मई, 17 मई या 18 मई? सही उत्तर है 17 मई। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन को किस प्रकार की नंबर प्लेट दी जाती है? पीली अक्षर वाली काली प्लेट, सफेद अक्षर वाली हरी प्लेट, सफेद अक्षर वाली नीली प्लेट या सफेद अक्षर वाली लाल प्लेट? सही उत्तर है सफेद अक्षर वाली हरी प्लेट। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में किस लोकसभा सीट से श्याम रंगीला का नामांकन रद्द किया है? अमेठी, वाराणसी, रायबरेली या जालौन? सही उत्तर है वाराणसी। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता फेडरेशन कप 2024 में कौन सा मेडल अपने नाम किया है? सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है गोल्ड। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र किस जगह पर खत्म हुआ है? हरारे, दिल्ली, मुंबई या लखनऊ? सही उत्तर है दिल्ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है आयुष राज, नंद कुमार सिंह, उमेश ऋषिदेव, नौशाद रजा, दिलीप कुमार सिंह, अजीत कुमार, तरुण कुमार, अनवर करीम खान, वेद प्रकाश सिंह, मोहम्मद शकीर हुसैन, गुनर शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है कि आपके अनुसार हार्दिक पांड्या का एक मैच से निलंबन या उन पर जुर्माना लगाने पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।